पूरे देश के साथ ही त्रिपुरा में भी गणेश चतुर्थी मनाई गई। पूजा के अवसर पर अगरतला के विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से कमन चौ मुहानी, रामनगर 6, परमार्थ सड़क संघ, मेलारमठ और अन्य स्थानों में गणेश पूजा का आयोजन किया गया। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा। 2013 से ये पूजा चालू किया है, अभी 4-5 साल हुआ ये पूजा हम लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं जो ये पूजा सबसे पहले त्रिपुरा में चालू हुआ, इस पूजा से बाकी पूजा का सृष्टि हुआ। अभी पूरा ओली गोली में त्रिपुरा में गणपति बाबा का पूजा होते है। भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम में रह रहे 8 भूमिगत कुकी उग्रवादी संगठनों में से कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर अपना सिर उठाया है। संगठन के अध्यक्ष पीएस हाउकिप ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो एक बार फिर उन्हें हाथ में हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुकी समुदाय के इतिहास में 13 सितंबर को काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन NSCN IM के नस्ली सफाई अभियान में 115 से अधिक बेकसूर कुकी लोगों का नरसंहार किया गया था। इसी दिवस के मौके पर चुराचांदपुर में आयोजित कार्यक्रम में KNO के अध्यक्ष PS हाउकिप ने हिस्सा लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ कई चरणों में बात हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए अगले चरण में KNO सरकार को 45 सूत्री मांग पत्र सौंपने जा रहा है। टुडे वी आर विद द गवर्नमेंट, डेफिनेटली बीजेपी हैड कम अप, दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस। कांग्रेस सेड keep us waiting for such a long time. After the coming of BJP, I'm very happy that they have started appointing interlocutor, and then we are on the talk, let us say. But even the BJP government also, if no substantial talk is developed, no fruitful talk is coming, then it'll be our decision to decide when should we go back to the jungle. We are going back to the jungles. That's what I'm saying. हाल ही में हामरो सिक्किम पार्टी के उपाध्यक्ष बाईचुंग भूटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखकर सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी SDF को एक भ्रष्ट पार्टी बताया था और कहा था कि नेडा के रूप में SDF के साथ गठबंधन से भाजपा की छवि धूमिल हो रही है। बाईचुंग की इस टिप्पणी की SDF ने निंदा की है और साथ ही प्रतिक्रिया दी है। SDF पार्टी इज अ पार्टी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज अ पार्टी विच बेयर्स टू फेथ इन द एलिजेंस, फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड एज फार एज द एलिगेशन ऑफ करप्शन इज कंसर्न, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट SDF पार्टी हैज नॉट बीन चार्ज्ड और रादर कन्विक्टेड ऑफ करप्शन इन एनी फोरम और एनी कोर्ट। So therefore, when we as an ally, as a state, which is a sensitive border state, in the interest of the party, in the interest of the people of Sikkim, in the interest of the state, and the security and overall development of the nation, our leader Sri Pawan Chamling has deemed it necessary to make an alliance with the ruling party at the center, the BJP, and we are very much a part of the NDA. तनावपूर्ण परिस्थिति के बीच पिछले 2 दिन से किल्ला में जारी IPFT की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। हाल ही में विधायक तथा BSE के अध्यक्ष रामपद जमातिया द्वारा उनके आवास के समीप लगे IPFT के झंडों के साथ की गई छेड़छाड़ के कारण परिस्थिति बिगड़ गई थी। IPFT के समर्थकों ने जमातिया के घर पर जमकर हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस को परिस्थिति को काबू में करना पड़ा था। हड़ताल भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन किल्ला ब्लॉक इलाके में दुकानें अभी भी बंद है। IPFT के स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और BSE के अध्यक्ष पद से जमातिया को नहीं हटाया गया तो 96 घंटे के बंद का आह्वान किया जाएगा। IPFT का 48 आवर्स का बंद का कल से शुरू हुआ था, आज हमने आया था इधर, SDM साहब भी है, हम भी है, और इनसे बात किया है, कन्विंस हो गया वो लोग विथड्रा करने के लिए। अभी बंद विथड्रा हो गया,
दो तीन घटना हुए, छोटा मोटा घटना है, उसमें कोई किसी को डैमेज भी नहीं हुआ या किसी को नुकसान भी वो भी नहीं हुआ, अभी पीसफुली विथड्रॉ हो गया। भारी भूस्खलन की वजह से हिमालयी राज्य सिक्किम का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट चुका है। 29 माइल में भारी भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का एक हिस्सा भूस्खलन की वजह से पूरी तरह ढह गया है।